हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओए द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 28/9/2021। आज की वर्कशीट नंबर है हमारा 81। आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स वर्कशीट है जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर चलिए आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम टू आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड अ पैटर्न फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं हम। चित्र पहले, नीचे दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई। आपके नीचे और गलती को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चलिए बच्चों आपको तो चित्र दिए गए हैं। चित्र एक को, इन दोनों चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी पर दो में कुछ गलतियां हो गई हैं। चलिए उन्हें ढूंढते हैं क्या गलती हुई है। ये है चित्र दो, इसमें मिस्टेक है। ये देखिए ऑक्टोपस की स्माइल नंबर वन, और ये देखिए यहाँ पे पानी का जो बुलबुला है वो नंबर टू, और देखिए यहाँ पे फिश के पंख नहीं है नंबर तीन, और देखिए गलती नंबर चार, यहाँ पे फिश नहीं है ऑक्टोपस के पास। तो ये चार गलतियां बच्चों। और कोई गलती मिले तो आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसे बहुत सारी गलतियां होंगी इसमें, मजा आएगी ढूंढेगा। चलिए देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग, चलिए। गट्टू की माताजी एक कारखाने में काम करती है, वहां कपड़ों की छपाई की जाती है। अक्सर वह कपड़ों पर बनाए जाने वाले पैटर्न के बारे में बातें करती है। माँ उसे समझाती है कि वे लोग एक लकड़ी के ब्लॉक की मदद से पैटर्न बना कर कपड़े की छपाई का काम पूरा करते हैं। गट्टू की माँ कई बार अलग अलग तरह के ब्लॉक घर लेकर आती है। गट्टू उन ब्लॉक पर रंग लगाकर उसे अपनी ड्राइंग बुक में छाप कर अलग अलग पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। आप भी गट्टू की मदद कीजिए और पैटर्न को आगे बढ़ाकर उसमें रंग भरिए। बच्चों गट्टू है जो अपनी माँ के लाए घर लाए हुए ब्लॉक को अपनी ड्राइंग बुक में छापती है कलर करके। तो चलिए हम गट्टू की मदद करते हैं, उसके ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल था, यहाँ पे तीन चार ट्राइंगल हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे आएगा देखिए ऐसा एक पैटर्न बना लेना है। पहले तो एक आएगा यहाँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल कर देंगे हम। फिर से बनाती हूँ बच्चों, बहुत बड़ा है इसका पैटर्न होगा इस तरह से कुछ। पहले तो हमें तीन ट्रायंगल बना लेना है, एक तो सबसे बड़ा ट्रायंगल ये हो गया कुछ इस तरह से। अब यहाँ मोड़ेंगे, यहाँ पे वन, उसके बाद एक लाइन होगी ऊपर होगा, दो ट्रायंगल इधर यहाँ मिला देंगे, ये दो हो गया। अब तीसरी लाइन में होगा तीन ट्रायंगल, जो को यहाँ से शुरू करना है इससे मिलाएंगे इसको यहाँ से, इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। ये आगे का पैटर्न है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं दूसरे पैटर्न को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें रंग भी भरना है, सॉरी, तो रंग ले लेते हैं। ये हरे रंग का है तो हरा ले लेते हैं, और देखिए हमारा पैटर्न यू कुछ इस तरह से बनेगा। आप भी ट्राई करिएगा, आपसे बन सकता है, जब मुझसे बन गया है तो आपसे भी बनेगा। इस तरह से पैटर्न भर देना है संभाल के। देखिए मैंने बना दिया है, ये पैटर्न बन गया है। अब हम आगे वाले पढ़ते हैं। आगे देखिए ये दो है, ये दो है, तो आगे कितने होंगे बच्चों। आप बना लीजिए ऐसे ब्लॉक्स, एक इधर एक ऐसे, इक्वल का साइन बनाना है आपको कुछ इस तरह से। चार ब्लॉक्स बनेंगे, पीछे तीन दिया है, हमें एक आगे बढ़ा देना है ब्लॉक्स में। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, इरेजर की पॉइंट छोटी कर देती हूँ ताकि बाकी कुछ ना मिटे। चलिए ब्लॉक को सीधा यूं बनाते हैं।
ये बन गया हमारा दूसरा ब्लॉक। अब इसमें पिंक कलर है तो मैं, मेरे पास पिंक नहीं तो मैं लाल कर दूंगी। आप भी इस तरह से भर दीजिएगा, इसके ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले में देखिए किस तरह बनाया पैटर्न। ये ब्लॉक का पैटर्न है, एक किसी बॉक्स, फिर तीन गोले हैं तो हमें कितने गोले बनाने हैं बच्चों यहाँ पे? इस तरह से चार बना दीजिएगा तो उसका ब्लॉक पूरा हो जाएगा। थोड़ा गलत हो गया है, मिटा देते हैं। पीछे के पैटर्न को बच्चों फॉलो करना तो आगे का ब्लॉक आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से चार कर देना है। इसमें ब्लू है तो मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ और भर देती हूँ। देखिए बच्चे ये ब्लू मैंने ले लिया है, आप भी ऐसे भर दीजिएगा ताकि पैटर्न कंप्लीट हो जाए। ये देखिए आगे देखते हैं चौथे वाले में क्या दिया है। चौथे वाले में इस तरह से है तो हमें एक क्रॉस लाइन बना देनी है, फिर थोड़ी ऐसे स्टिक टाइप का होना चाहिए बच्चों, ये स्केल जैसा यूं। अब आप देखिए यहाँ पे दो है तो हमारा बॉक्स में तीन हो जाएगा। तीन यहाँ पे, एक दो और तीन यहाँ पे, एक दो और तीन यहाँ पे, एक दो और तीन, इस तरह से। चलिए अब इसे भी रंग भर देते हैं, पीला ले लेते हैं। इन्होंने तो ब्राउन किया है, मेरे पास ब्राउन नहीं तो मैं पीला ले लेती हूँ। आप भी इस तरह से इस सारे ब्लॉक्स को भर दीजिएगा। देखिए पैटर्न कंप्लीट हो गए जो उन्होंने ब्लॉक दिए थे। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं जैसे चादरों, पर्दों, टाइल्सों आदि में मौजूद पैटर्न को देखने और पहचानने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं बच्चों, कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।